नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। आज 29 जनवरी है, वेडनेसडे, और आज के शैक्षिक समाचार इस प्रकार है। अगले सत्र से ब्लॉक स्तर पर शुरू हो सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल। बाल सभाओं से प्रदेश के स्कूलों को मिला 9 करोड़, 24 लाख अभिभावक हुए उपस्थित, 65,000 से अधिक अधिकारी बने हिस्सा। 11 इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्राचार्य के लिए मांगे आवेदन, अजमेर के दोनों कॉलेज भी शामिल। पंचायत चुनाव, तीसरे चरण का मतदान आज, 60 लाख से ज़्यादा मतदाता डाल सकेंगे वोट। सरपंच पद के लिए 10,865 उम्मीदवार मैदान में। गृह जिला आवंटित करने की मांग, शिकायतकर्ता को ही ब्लैकलिस्ट करने पर आरयू से मांगा जवाब। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2020, तीसरे चरण का मतदान आज, पंचायत चुनाव, 60 लाख से ज़्यादा मतदाता कर सकेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। BA स्वयं पाठी परीक्षाएं 14 फरवरी से, टाइम टेबल जारी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश आज, बाड़मेर। DMRC ने निकाली भर्तियां, 4 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन, सिक्कर की खबर है ये। सर्वश्रेष्ठ स्कूलों को मिलेगा पुरस्कार, चयनित को मिलेगी नगद राशि, सूक्ष्म अंक योजना 5 नवम्बर को होगी। SC ST बैकलॉग पदों का सामान्य वर्ग से भरने का विरोध। गार्गी पुरस्कार समारोह अब 10 फरवरी को, आवेदन के लिए आज अंतिम मौका। गार्गी पुरस्कार 12वीं बोर्ड पास करने वाली छात्राओं को मिलेंगे 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र। कांस्टेबल भर्ती अधिकतम आयु सीमा की जगह न्यूनतम में छूट, हाईकोर्ट ने गृह सचिव से कहा, आज कोर्ट आकर आदेश स्पष्ट करें। राज्य निर्वाचन आयोग, मतदाताओं से अपील, पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 तीसरे चरण के लिए आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सांस्कृतिक प्रतिभा छात्रवृत्ति, परंपरागत कलाओं को प्रोत्साहन देने की कवायद, आवेदन 10 से 14 वर्ष तक की नन्ही प्रतिभाएं कर सकेगी आवेदन। प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति के लिए 31 जनवरी तक करने होंगे आवेदन। प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण 31 को। प्रदेश की एक भी यूनिवर्सिटी के पास नहीं A+ ग्रेड, सबसे निचले पायदान पर कोटा। स्टाफ की कमी व बेहतर रिसर्च न होने की वजह से नेक की ग्रेडिंग में पिछड़े विश्वविद्यालय। UPSC में निकली भर्तियां, 13 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। RU नॉन कॉलेज छात्रों को 5 किलोमीटर में मिलेंगे परीक्षा केंद्र। राजस्थान यूनिवर्सिटी से नॉन कॉलेज पढ़ने वाले छात्रों को अब आसपास के क्षेत्र में ही परीक्षा केंद्र अलॉट होंगे। बाल परचम, बच्चे नज़दीक से देख सकेंगे तारामंडल और नक्षत्रों को। दैनिक भास्कर और शिक्षा हाईस्कूल का साझा आयोजन, 8 और 9 फरवरी को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञप्ति, लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती 2018 में श्रेणी संशोधन के उपरांत सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच बाबत। प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर बाल सभाओं के आयोजन से 9 करोड़ से अधिक का मिला जन सहयोग। बोर्ड परिणाम उन्नयन मार्गदर्शिका का जिला कलेक्टर जायसवाल ने किया विमोचन। विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाएं आज से, दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालय में मुख्य परीक्षा 2020 के लिए प्रायोगिक परीक्षा बुधवार से शुरू होंगी। वसंत पंचमी, माँ सरस्वती की आराधना का दिन। बोर्ड परीक्षाओं में शिक्षण के मुख्य टिप्स, RTI के तहत सूचना नहीं देने पर ग्राम सचिव पर जुर्माना, वेतन से काटे जाएंगे 2,000 रुपये। राजस्थान लोक सेवा आयोग, विशेष योग्य जन को आरक्षण के बाद वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का संशोधित वर्गीकरण जारी, ऑनलाइन संशोधन आज तक। कांस्टेबल भर्ती अधिकतम आयु सीमा की जगह न्यूनतम में छूट, हाईकोर्ट ने गृह सचिव से कहा, आज कोर्ट आकर आदेश स्पष्ट करें। बाल सभाओं से प्रदेश के स्कूलों को मिला 9 करोड़, 24 लाख अभिभावक हुए उपस्थित, 65,000 से अधिक अधिकारी बने हिस्सा। अनुसूचित जाति के रिक्त पद सामान्य वर्ग से भरे तो सरकार को उठाना पड़ेगा खामियाजा, मास्टर मदन लाल वर्मा। ई मित्र संचालक घर घर जाकर बनाएंगे 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड। विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाएं आज से। 61 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की ओर 190 वार्डों की लॉटरी 2 फरवरी को। शर्मा ब्रदर्स बने भामाशाह,
HM की सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़कर जयपुर से आकर 51,000 का फर्नीचर दिया। छात्र जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे नरेंद्र शर्मा। भामाशाह का 21 किलो की माला पहनाकर शिक्षकों ने किया अभिनंदन। ये जयपुर के हैं भामाशाह नरेंद्र शर्मा व राजू शर्मा। पूर्व सैनिकों को आश्रितों की पेंशन समस्या के निराकरण के लिए अभियान शुरू। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की पहल 3 चरणों में होगा संपन्न। स्कूली खेलों में मल्लखंब शामिल करने की कवायद, महिला कुश्ती व बॉक्सिंग बाकी। महाराष्ट्र में आज से होने वाली राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 खिलाड़ी लेंगे भाग। नवोदय विद्यालय में निकली कई पदों पर भर्ती, 5 फरवरी तक आवेदन। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष, सबसे प्रभावी गतिविधियां आयोजित करने वाले विभाग होंगे सम्मानित। राजस्व मंडल ने जारी किए पोस्टिंग आदेश, ACR मिलने के बाद दिया प्रमोशन। प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा की तिथियां टकराई, प्री बोर्ड परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग। JNVU में जल्द खुल सकता है नया फार्मेसी कॉलेज, आज प्रस्ताव बनाकर भेजेगी JNVU, बजट में हो सकती है घोषणा, अगले सत्र से मिलेंगे प्रवेश। स्कूटी योजना के लिए आवेदन 8 फरवरी तक। JNVU सीधी भर्ती 2017 का मामला, रिव्यू रिपीटेशन पर नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने JNVU पर सरकार से मांगा जवाब। SC ST के बैकलॉग व दिव्यांगों के आरक्षण सहित बिंदुओं को निर्णित करने के लिए थे आदेश। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रदेश में जोधपुर की दीचू मिडिल स्कूल के स्टाफ ने सर्वाधिक 2,89,111 वेतन दान किया। बोले, स्कूल हमारा मंदिर। स्कूलों के लिए गणतंत्र दिवस पर जोधपुर के शिक्षकों ने वेतन के 17 लाख रुपए दान किए। इस बार बसंत पंचमी की जगह 10 फरवरी को होगा गार्गी पुरस्कार समारोह, आज तक कर सकेंगे आवेदन। ये योजना 1998 से शुरू है ये योजना। सरकारी स्कूलों के नामों में होगा एक रूपता, शिक्षा विभाग। शाला दर्पण पोर्टल पर किया जा सकता है सुधार। बाल सभाओं में 24 लाख अभिभावकों की हुई उपस्थिति। तकनीकी क्षेत्र में नवाचारों को मिलेगा बढ़ावा, शिक्षा विभाग की अनूठी पहल, कोयम्बटूर तकनीकी संस्थान के बीच MOU पर हस्ताक्षर। राज्य में प्री बोर्ड तैयारी के लिए विषयवार टाइम टेबल जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग, विषय योग्य जन को आरक्षण के बाद वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का संशोधित वर्गीकरण जारी, ऑनलाइन संशोधन आज तक। सोशल मीडिया पर समय की बर्बादी रोकेगा ऐप, MBA के छात्रों को मिला बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड। ओलंपियाड एवं WBJEE की तिथियां टकराई, स्टूडेंट्स असमंजस में। शिकायतकर्ता को ही ब्लैकलिस्ट करने पर RU से मांगा जवाब। जिले में बेरोजगारों का शोषण, सरकार को लाखों रुपए प्रति माह की चपत। उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न छात्रवृत्तियों की कवायद, प्रदेश के कॉलेज छात्रों को मिलेगा फायदा, ऑफलाइन आवेदन पर पत्र आमंत्रित। कृषि विश्वविद्यालय में शुरू होगा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम, प्रसार शिक्षा परिषद की तृतीय बैठक आयोजित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञप्ति, लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक से सीधी भर्ती 2018 में दिव्यांगों अभ्यर्थियों की नवीन चतुर्थ श्रेणी के अनुसार प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने के लिए है। IAS में विशेष चयन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग। विश्वविद्यालय की सिंधु शोध पीठ में विभिन्न पदों पर होगी भर्ती, राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी होगा आयोजन। सरस्वती मंदिर में हवन करेंगे आज, असम जाएंगे छात्र। 11 इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्राचार्य के लिए मांगे आवेदन, अजमेर के दोनों कॉलेज शामिल। मुख्य द्वार पर नहीं लिखा जाएगा आदर्श व उत्कृष्ट विद्यालय, 15 फरवरी तक स्पष्ट लिखवाने के निर्देश। अब नियुक्ति अधिकारी दे सकेंगे उच्च अध्ययन के लिए। उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न छात्रवृत्तियों की कवायद, प्रदेश के कॉलेज छात्रों को मिलेगा फायदा, ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित। निर्वाचन विभाग ने दिए BLO को हटाने के आदेश। रोजगार के लायक युवा देने में राजस्थान 6ठे स्थान पर, BTech से आगे आर्ट्स के स्टूडेंट, कम्युनिकेशन स्किल सबसे अधिक महत्वपूर्ण। 434 स्टेनोग्राफर की होगी भर्तियां, ग्रेड तृतीय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में अशुलिपि के 434 पदों पर सीधी भर्ती होगी। DSSSB में निकली 3,358 पदों के लिए भर्तियाँ, 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
शिक्षकों की भर्तियों में 30 से 36 वर्ष के युवाओं के लिए रोजगार पाने का अवसर। जानिए किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए। ई क्लास के माध्यम से होगी विद्यार्थियों की पढ़ाई, व्याख्याताओं की पढ़ाई के दौरान की जाएगी रिकॉर्डिंग। शिक्षा का बाजारवाद खतरनाक। नेटवर्क नहीं होने से ऑनलाइन नहीं लग पा रही हाजिरी, शिक्षकों की उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं हो रही दर्ज। विश्वविद्यालय के सिंधु शोध पीठ में विभिन्न पदों पर होगी भर्ती, राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी होगा आयोजन। बजट में ध्यान दे केंद्र सरकार, आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। गहलोत, नीतियां, सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था नीचे। पुनः लॉटरी निकलने की सूचना पर खिले चेहरे, 5 फरवरी को मिलेगी आरक्षण लॉटरी। तो ये है आज के शैक्षिक समाचार दोस्तों।